हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है, जहां पर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ऐसे ही कई सारी वैकेंसीज हैं, जहां 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे, एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कई सारी अच्छी चीजें यहां पर हैं। एप्लीकेशन फी बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन फी। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेज देनी है बस। गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रही है और पे स्केल है तो हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होगी, डीए महंगाई भत्ता इंक्रीमेंट मिलेगी और साथ ही साथ ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा है, 822 परमानेंट पोस्ट यहाँ पर हैं। इतनी अच्छी नोटिफिकेशन है, आपके लिए कवर करते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं क्या है, कहाँ से आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशन और किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, लास्ट डेट एटसेट्रा। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2021। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट अवेलेबल ऑन रेगुलर बेसिस एट जीएमसी। तो वेरियस पोस्ट अवेलेबल है रेगुलर बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पर जीएमसी। यहां पर ही डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन दी हुई है, इसे डाउनलोड करते हैं और एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क है, 74 पोस्ट है और स्टोर कीपर है, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ और काफी सारे हैं। ये नोटिफिकेशन आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गोवा मेडिकल कॉलेज बैम्बोलिम गोवा से। तो ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंतर्गत गोवा मेडिकल कॉलेज है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें से एक है। गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंतर्गत चलाया जाने वाला गोवा मेडिकल कॉलेज बैम्बोलिम गोवा में। तो यहां से मल्टीटास्किंग स्टाफ 222 है, आप देखें ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व के लिए 95 है। पे स्केल ऑफर हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं, ₹18,000 की। स्टोर कीपर के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें 25,500 25,500 की पे स्केल ऑफर हो रही है। पे स्केल के बाद उसमें महंगाई भत्ता ऐड होता है, उसमें हाउस रेंट ऐड होती है और काफी सारे अलग अलग अलाउंसेस छोटे छोटे ऐड होते हैं और सैलरी काफी अच्छी बनकर आएगी, कम से कम मिनिमम 30-35,000 के ऊपर बनेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क 74 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 33 पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, यहां पर भी 10th पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिनको थोड़ी टाइपिंग स्पीड आती होगी, तो 13 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है, ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है, स्टाफ नर्सेज 377 पोस्ट है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो 10-12 ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे वो 0.6 तक डाल सकेंगे ड्राइवर तक। तो यहां पर मैं बता दूं कि इन सभी के लिए, किसी के लिए 10th पास काफी है, किसी के लिए 12th पास काफी है, किसी के लिए टाइपिंग आनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहां पर मैंडेटरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। यहां पर एक ही पॉइंट है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन तभी डाल सकेंगे जब उन्हें कोंकणी नॉलेज हो। तो कोंकणी भाषा अगर आपको आती है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मराठी भाषा डिजायरेबल में डाला गया है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोंकणी आनी ही चाहिए, ये एसेंशियल रहेगा। पर ये काफी अच्छी वैकेंसी थी इसलिए मैंने आपके लिए कवर की। यहां पर ये पीडीएफ जब पढ़ते हैं तो मुझे कोई एप्लीकेशन फी नजर नहीं आई, एप्लीकेशन फी नहीं है यहां पर। फार्मासिस्ट वगैरह के लिए भी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी है। यहां पर भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी काफी सारे पोस्ट है, जो यहां पे साइंस वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बार्बर है, डायलिसिस टेक्नीशियन। अब यहां पर देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द डिजायर्ड पोस्ट गिविंग फॉलोइंग डिटेल्स। नाम होना चाहिए कैंडिडेट का, एड्रेस होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अपर एज लिमिट 45 इयर्स है, 45 साल तक के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कैटेगरी होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, नेशनलिटी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो होनी चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड होनी चाहिए, ये एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड होनी चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो, और 15 साल की रेसिडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
15 ईयर्स की रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर इशूड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इसलिए बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे क्योंकि वहां की रेसिडेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो गोवा के कैंडिडेट के लिए अच्छा रहेगा अगर उनके पास डोमिसाइल है। एप्लीकेशन शुड कैरी कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। और इस तरीके से आपको एप्लीकेशन डालनी है कि 20 अप्रैल तक लास्ट आपको आपकी एप्लीकेशन मिल जाए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अ रिटन टेस्ट, डेट ऑफ विच विल बी अनाउंस लेटर। यहाँ एड्रेस नहीं दी हुई है, हाँ यहाँ नीचे में एड्रेस दी हुई है, इस एड्रेस पर आप एप्लीकेशन भेज दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं नजर आई, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन डालनी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई प्रोविजन नहीं दिखाई दे रही, ऑफलाइन मीन्स हार्ड कॉपी आपको भेजनी है सारी चीजें मेंशन करके। ये लिंक आपको वेबसाइट की लिंक और ये जो एडवर्टीजमेंट की लिंक है, ये दोनों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डिटेल्स चेक कर लें। और एलिजिबल इंटरेस्टेड होने पर जरूर एप्लीकेशन डालें क्योंकि ये बेहद ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है 10th 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।